हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। और देखिए अभी कितना अंधेरा हो रहा है, तो मैंने अंदर की लाइट जला दी है, बाहर की भी जला दी थी, और मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ। बाहर इतना अंधेरा है और मैंने बाहर की लाइट जला दी। अभी बज रहे हैं 5 और हम उठ चुके हैं, और बस अब मैं थोड़ा सा टहलूँगी। ये अच्छा लगता है सुबह सुबह टहलना, तो यहाँ पे मैं मतलब दो लगाती हूँ, 3-4 चक्कर। कुर्सी वगैरह नहीं थी, नहीं तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाती हूँ, और अच्छा लगता है। और उसके बाद आने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और इन लोगों का तो सामान इधर उधर फैला ही रहता है, कितनी भी सफाई करो क्या करें। और उसके बाद में फिर मैं पूजा वाले कमरे में लगा रही हूँ पोछा। और मैं सब किसी मतलब हाथ से काम करती हूँ, और यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है, तो कैमरे की वजह से लग रहा है मैं डेढ़े हाथ से। मुझे कुछ भी काम करना नहीं आता है, मैं सारा काम सीधे हाथ से ही करती हूँ। और यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है और आरती। और मैं जल्दी क्यों उठ गई थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, और अभी बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पे तुलसी मैया की मेरी पूजा हो रही है। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। और यहाँ मैं जा रही हूँ आज मंदिर, और जो मैं डलिया लेके आई थी ना पूजा के लिए, वो लेके जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे हाथ पन्नी में ले जाओ सामान, तो बस इधर सुबह का कितना अच्छा लगता है, बाहर का व्यू कितना अच्छा। बस हल्के हल्के से मतलब सूरज निकल रहे थे, और हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, और बस मैं मंदिर जा रही हूँ। ये देखिए बाहर, और ये मंदिर मतलब अंदर का मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, अच्छा नहीं लगता। बाहर बहुत सारे लोग थे, मतलब थे 6-7 लोग तो थे, बहुत सारे लोग नहीं थे अभी, क्योंकि मंदिर खुला ही था। और फिर मैं जो घर के पीछे मंदिर है उसमें आ गई थी, वहाँ पे माता रानी का मंदिर है ये, और साफ सफाई चल रही थी मंदिर में। और यहाँ पे ये जल नहीं था मंदिर के अंदर, तो फिर मैं लेने गई थी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। और ये हमारी सुबह की चाय, आप लोग भी आ जाइएगा, क्योंकि मैं काम जो भी कर पाया था वो करके चली गई थी, चाय नहीं बनाई थी। मैंने कहा आके बनाऊँगी, फिर ये बच्चे उठ जाते। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया बेसन, और आज मैं ठेली जैसी मतलब जिसने हम लोग पालक की पकौड़ी ठेली पे खाते हैं वैसी बनाऊँगी। और उसके बाद मैं इनको तो मिर्च पसंद है, तो मैं मिर्च काट रही हूँ यहाँ पे हरी वाली। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने थोड़े से मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी कलर के लिए, और बस लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर हल्के मतलब थोड़ा डाला था, हरा धनिया भी डाला। और उसके बाद में हींग नमक जीरा मतलब यही सब डाल दिया था मैंने, और हरा धनिया, और आज पालक की पकौड़ी। वैसे मैं ये देखो अबनी खिला के गई थी, वो क्या कुछ लेके आई थी, क्या बोलते हैं वो, मैया मेरी जोड़ी बनाए रखना। और मैं ना कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ अभी, तो जितना बोल पाती हूँ उतना तो बोलती हूँ। और बच्चों को दूध वगैरह दे दिया, और ये आए हैं अपनी खिला के गई थी, तो ये भी खिला मतलब। बाबू हमारे आए हैं, और पता क्या कह रहे हैं, मम्मी तुमने दीदी को प्यार कर लिया था, और हाय बोल रहे हैं आप लोगों से, और दीदी को प्यार कर लिया था, मुझे नहीं किया आपने, तो बस। और यहाँ पे पता नहीं, ओ पटाखों की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, तो यहाँ पे कुछ मतलब होता है, आज कुछ प्रोग्राम है बाहर ग्राउंड में, तो इसलिए पटाखे वगैरह चल रहे हैं। और यहाँ पे हमारी ये देखिए पकौड़ियाँ बन रही हैं, और हमारी पकौड़ियाँ बन के हो चुकी है रेडी, और आप लोग भी आ जाइएगा। और पटाखे बहुत ज़्यादा बाहर चला रहे हैं सब लोग ग्राउंड में, कुछ है
और ये देखिए हमारे लोगों का नाश्ता हो रहा है, और आप लोग भी आ जाइएगा। और ये इतने जल्दी खाना खाते हैं, इतनी जल्दी नाश्ता करते हैं, और बस मैं नहीं खा पाती हूँ। और ये फटाफट से बस नाश्ता किया और मोबाइल लेके बैठ गए थे। और यहाँ पे मैं टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये पटाखों ने तो मेरे दिमाग ही ख़राब कर दिया है, चला के ही रह गए हैं। और उसके बाद में मैं डिस्प्रिन खा रही हूँ टैबलेट पर, तो मैंने दो खा ली थी, इतनी देर सर में दर्द, पूरा शरीर एकदम भारी भारी सा लग रहा था। और टैबलेट खाने में मुझे उलझन सी होती है, मुझे पता नहीं कितने पटाखे, ओहो दिमाग ही ख़राब कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया मतलब साफ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सूखी सब्जी बनाई, भैया टमाटर आलू नहीं खाते हैं इसलिए सूखी सब्जी बनाई, दही रखा हुआ है तो उनको दही दे देंगे। और उसके बाद में मैंने थोड़ी सफाई कर दी है किचन की, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाओ और फिर खाने की तैयारी करने लगे तो थोड़ी किचन फैल जाती है। सामान थोड़ा इधर से जूड़ा का जुड्डा बन गया मेरा, और बस तुम्हें सफाई करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ, फटाफट से सारा काम हो जाए, किचन विचन सारा कुछ साफ, झाड़ू लगा दी, सारा कुछ कर दिया था। हेलो दोस्तों, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग बताना। और अभी हमारा हो रहा है खाना, और खाने में क्या है, टमाटर आलू की सब्जी है, सूखी सब्जी है और दही, यही खाने में। तो आप लोग भी आ जाइएगा राधे राधे। और यहाँ पे मैं सरसों राई बोलते हैं ना, वो साफ़ कर रही हूँ। और आज चाय भैया ने बनाई है, मेरा तो मुँह ही अपना खुद नमकीन लेने जा रहे हैं, पता इतनी मीठी चाय बना दी, इतनी मीठी चाय, बड़ी वो हो गई, अपना तो नमकीन लेके गए हैं, वो खाएंगे और मुझे चाय पीना मुश्किल हो गया। यहाँ पे मैं राई साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था घर पे, तो मैंने कहा चलो करना तो है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, यही सोचते रहते हैं। और उसके बाद फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी मैंने, तो कपड़े धुल रही हूँ, और ये लोग सेतानी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये साड़ियाँ मेरी कुछ हाथ से धुलने के लिए की थी, तो मैंने दो शैम्पू पुड़िया में दो शैम्पू पुड़ियाँ ली, और उसमें सारी साड़ियाँ टप में भिगो के रख दी हैं। और बस उसके बाद थोड़ा सा इन्हें हाथ से मलने के बाद धुल के डाल दूँगी। और यहाँ पे हमारी और शाम की संध्या हो चुकी है नहाने धोने के बाद में, और बस माता रानी की जय, माता रानी की आरती आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे मेरी तुलसी मैया की आरती हो रही है। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पट रानी नमो नमः। तुलसी मैया की आरती मुझे नहीं आती है, तो बस मैं इतना ही बोलती हूँ। और नहीं, ऐसे नहीं है कि तुलसी मैया का चालीसा दीदी पढ़ती हैं तो उसमें आरती, और यहाँ पे मैंने साड़ियाँ वगैरह साली मतलब सारी साड़ियाँ धुल के डाल दी हैं, और जो कपड़े दिए, सूट मेरा उस दिन से जब से सिल के आया तो ऐसा ही रखा हुआ था, कोई भी कपड़ा बाहर से आता है तो हम लोग धुल, और इसके बाद में मैंने बेड शीट चेंज कर दी, मुझे गंदी गंदी सी लगी बेड शीट। और ये नहीं कि मैं इस सुबह काम नहीं करूँगी, मेरी समझ में आया कि बेड शीट गंदी है, मुझे सुबह चेंज करनी है, जैसे शाम को चेंज कर देती हूँ, तो बस। हेलो दोस्तों, और अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। तो जय माता दी, लाइक करना।